इंदौर संभाग के प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश में चल रही कई योजनाओं, प्रोजेक्ट व कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही अपर मुख्य सचिव ने जनवरी माह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ली गई बैठक में लिए गए निर्णयों और दिए गए निर्देशों के परिपालन की भी समीक्षा की। इंदौर संभाग के प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इंदौर संभाग के जिलों, अनुभाग एवं तहसीलों की सीमाओं का युक्ति युक्तकरण किया जाएगा। इसके लिए इंदौर संभाग का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। संभाग के जिलों, अनुभाग और तहसीलों की सीमाओं के युक्ति युक्तकरण के प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रभारी संभागीय सचिव के रूप में व्यवस्था शुरू की गई है। इससे जिले, संभाग और राज्य स्तर के मध्य बेहतर समन्वय बन रहा है। बैठक में लिए गए निर्णयों और दिए गए निर्देशों से अधिकांश का पालन सुनिश्चित कर लिया गया है। बैठक में श्रीवास्तव ने इंदौर संभाग में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने इंदौर संभाग में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य हुए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में अभियान के अंतर्गत बारिश के पहले तक नदी, तालाबों और कुओं के साफ सफाई और गहरीकरण का कार्य जारी रखा जाए। बारिश के पूर्व वृक्षारोपण की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। श्रीवास्तव ने अधिकारियों को अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे लगाकर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाए। जरूरत पड़ने पर अस्थायी चौकियां बनाकर भी निगरानी रखी जाए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्री होने के तुरंत पश्चात ही नामांतरण हो जाए। राजस्व प्रकरणों के संबंध में किसी भी नागरिक को परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों की EKYC का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए। जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जाए। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। आज हमारे सभी कलेक्टर, CEO, जिला पंचायत, संभागीय अधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा करी और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अधिकांश प्रकरणों का में कारगर कार्रवाई हुई है और कुछ ऐसी स्वीकृति की प्रक्रिया थी जो आदर्श आचार संहिता के कारण कुछ समय के लिए बाधित हुई थी, उसमें भी स्वीकृति की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें अब चूंकि विधानसभा के सत्र, जैसे आप जानते हैं, 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, बजट सत्र है, तो कुछ बजट के प्रावधान किए जाने हैं, तो इसीलिए मैंने भी इस विधानसभा सत्र के पहले ये समीक्षा रखी थी कि जो मुझे राज्य स्तर पर विभिन्न अधिकारियों से समन्वय करना है वो किया जा सके, तो उसके संबंध में काफ़ी विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा हुई है। और अभी जैसा कि आप सभी ने बड़ा अच्छा कवर भी किया है कि जल गंगा संवर्धन अभियान 5 जून से लगा के 16 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चलाया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य भी लिए गए। अभी आपने देखा होगा कि झाबुआ के जिला कलेक्टर ने एक छोटी सी बुकलेट भी तैयार कराई है, बाकी जिले भी तैयार करा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं आज कि इस कार्य को सतत जारी रखना है, और क्योंकि इसमें कई जगह वृक्षारोपण के कार्य भी लिए जाते हैं, तो 16 को समाप्त ना करके 25 तारीख तक, जब तक भी बारिश और मानसून ना आए तब तक इन कार्यों को भी जारी रखना है।